तो हम जा रहे हैं हसीन वादियों में और यहाँ पे स्नो ही स्नो। और रुपेश भाई को बहुत मजा आ रहा है, वो नीचे पानी में छप छप करते हुए आ रहे हैं। 5 मिनट में ऊपर पहुंचने वाले हैं, लेकिन मजा आ रहा है और बहुत तेज हवा चल रही है, तो मुझे पता नहीं आवाज आ रही होगी नहीं आ रही होगी कैमरा में, बट देखते हैं वो बातें जो मैं एडिट करूँ। तो जी हम ट्रेन से तो उतर गए, बट हमारा हुआ दूसरा पोपट। तो हम जा रहे हैं हसीन वादियों में और यहाँ पे स्नो ही स्नो। और रुपेश भाई को बहुत मजा आ रहा है, वो नीचे पानी में छप छप करते हुए आ रहे हैं, नीचे पानी है उसमें कूदी मार रहे हैं कि अरे मेरे जूते वाटर प्रूफ हैं, कुछ नहीं होगा, चलो। रुपेश भाई कैसा लग रहा है? भाई बढ़िया लग रहा है, बहुत और आगे जाना है। फाल्गुन पीछे ढीला ढीला आ रहा है स्लो, वो डर रहा है देखे कैसे जम मार रहा है। तो हम जाते हैं इन वादियों में ऊपर और फिर मिलते हैं आपको पीक पे। तो यहाँ पे रुकने के लिए ऐसा हट टाइप बना हुआ है जहाँ पे आप बैठ के थोड़ी सी पेट पूजा कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सही वो स्टैम्प के लिए लगा हुआ है, तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं अपनी बुकलेट है उनके पास स्टैम्प लगा रहे हैं कि वो कहाँ पे आए थे और किस डेट को। और ये हाइक करते करते हमने रास्ते में काफ़ी मस्ती की, तो आइए आपको दिखाते हैं हमारा देसी डांस स्नो में। मुझे देख के फाल्गुन भाई ने भी पेड़ हिलाने की कोशिश की और देखिए क्या हुआ उनके साथ। तो जी कुछ दूर चलने के बाद आगे एक और बोर्ड और यहाँ पे लिखा है ब्रोकन 1.2 किलोमीटर्स। तो हम पहुँचने वाले हैं और पूरी चढ़ाई हमने कर ली है और बस 1 किलोमीटर बचा, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे ऊपर, देखते हैं वहाँ के नज़ारे। तो जी हम 5 मिनट पहुंचने वाले ऊपर और यहाँ पे बहुत ही तेज़ हवा है और पीछे आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो 5 मिनट में ऊपर पहुंचने वाले हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है और बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो मुझे पता नहीं आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी कैमरा में, बट देखते हैं वो बातें जो मैं एडिट करूँगा। तो दोनों आगे जा रहे हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। और रियल आई से देखने तो और गजब है, और इस टाइम कैमरा पे मेरे चश्मे पे सब का आई सम जाते ऊपर और वहाँ पीते कुछ चाय कॉफी भी बहुत ज़्यादा। मेरी आवाज कुछ आ नहीं रही होगी यहाँ पे, साथ है रुपेश भाई और फाल्गुन जो पीछे है। तो पीछे बहुत तेज हवा है तो हम यहाँ आ गए, लेकिन फाइनली वी डिड इट और 1.2 मीटर्स की हाइट हम पहुंच चुके हैं। और हम चढ़े थे 8:30 बजे और अभी बज रहे हैं 11:30, तो हमने 3 घंटे में चढ़ाई कर ली, जिसमें हमने पीछे ड्रोन उड़ाया, फोटो खींची। और आशा करते हैं आपको इस व्लॉग में मजा आया, अगर मजा आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी देखते हैं ब्रोकन में हम क्या करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, पेट पूजा करेंगे, वापस पहुंचेंगे स्टीम इंजन और आपको उसके बारे में बताते हैं, यहाँ की रेलवे के बारे में। फिलहाल यहाँ कुछ नज़ारे लेते हैं, वैसे कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि पूरी जगह स्नो कवर्ड है और फॉग आ गया है, तो देखते हैं थोड़ी देर बाद आते हैं यहाँ पे कुछ दिखेगा तो।
few moments later. तो जी फाइनली हम आ गए यहाँ के एक रेस्टोरेंट में और हमने सब अपने कपड़े कपड़े सुखाने डाल दिए हैं. जूते भी गीले हो चुके हैं, मोजे भी गीले हो चुके हैं और जैकेट्स पूरी गीली हैं. बट फिलहाल सब ठीक है. और आपने देखा ही पीक हमने टच कर ली और अब हम बैठे हैं रेस्टोरेंट में. यहाँ पे कुछ करेंगे पेट पूजा और पेट पूजा करने के बाद आई थिंक एक डेढ़ घंटा और स्पेंड करेंगे यहाँ पे और फिर जाएंगे ट्रेन स्टेशन पे. और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टीम इंजन की ट्रेन चलती है, डीजल भी है और काफ़ी पुराना सिस्टम है इनकी. एक ट्रेन 87 की भी है और बहुत सही मैनेज करते हैं ये लोग. तो हमने उसका टिकट बुक करा लिया. नीचे आपको डिटेल्स में जाएंगे उसकी टिकट की कि कहाँ से बुक करना है. और टिकट 32 यूरोस का पर पर्सन हमको पड़ा. तो ज़्यादा कॉस्टली टिकट नहीं है क्योंकि हम जो 6 किलोमीटर चल के आए हैं वो हमें वापस उतार देगा. और इसमें काफ़ी सारे स्टॉप्स हैं तो आपने जहाँ से भी हाइक शुरू करी आप वहाँ स्टॉप ले सकते हैं. और हमारा प्लान था सुबह कि अगर वेदर ख़राब होगा तो शायद उससे ऊपर आ जाएंगे और वो हमें 1.5 घंटे में पहुँचा देती. बट फिलहाल हमने सोचा कि हाइक कर लेते हैं, स्नो में ज़्यादा मज़ा आएगा. और लिटरली बहुत मज़ा आया. कैमरा में मुझे पता नहीं कितना अच्छा आया नहीं आया, वो जब मैं वीडियो एडिट करूँगा तो पता चलेगा और आप लोग ने देख ही लिया होगा अगर अच्छा आया तो. बट जो रियल आई से देखा बहुत इंटरेस्टिंग था. और बहुत ठंड थी. ऊपर पहुँचते पहुँचते आपने देखा ही कितना फॉग था, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी. और पीक पे तो बहुत ही मज़ा आया. मतलब आवाज़ कैमरा में थोड़ी बहुत आई है बट वीडियो एडिट में पता चलेगा. लेकिन बहुत मज़ा आया और बहुत ठंड थी. अगर वेदर थोड़ा अच्छा होगा तो हम फिर से वापस जाएंगे और अपना ड्रोन उड़ाएंगे क्योंकि ड्रोन मैंने ऊपर नहीं उड़ाया, नीचे तो उड़ा लिया था. बट विंड बहुत तेज़ है, स्नो काफ़ी गिर रहा है तो ड्रोन उड़ाना मैं अवॉइड करूँगा. अगर वेदर अच्छा हो गया तो फिर से उड़ाएंगे. तो फिलहाल करते हैं थोड़ी पेट पूजा, सुखाते हैं अपने कपड़े और करते हैं यहाँ पर टाइम स्पेंड. फिर जाते हैं ट्रेन पे. हमारी ट्रेन 3 बजे की है तो अभी तो 12 बज रहे हैं, तो हमारे पास 3 घंटा है. तो देखते हैं क्या करते हैं और आपको भी दिखाएंगे. और आपको ये ब्लॉग में मज़ा आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. और बाकी आपको सारी ट्रैवल रिलेटेड डिटेल्स नीचे मिल जाएंगी. और आपकी कुछ भी क्वेरीज हो तो कॉमेंट्स में लिखिएगा. और अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो यहाँ ज़रूर प्लान करिए. और अगर जर्मनी के आसपास किसी कंट्री में रहते हैं तो यहाँ आप आ सकते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पे आने में. और हाइक कीजिए तो और मज़ा आएगा. समर में मुझे पता नहीं बट विंटर में तो लिटरली बहुत मज़ा आया. मे बी समर में भी ऐसा ही मज़ा आएगा. तो फिलहाल थोड़ी पेट पूजा हो जाए. A few moments later. तो ये लोग खाना लेके आ गए और फालून बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लाए यहाँ से ढूंढ गए. तो यहाँ पर राजमा चावल मिल गए तो वो दिखाता हूँ मैं आपको और फिर करते हैं उसको टेस्ट. तो ये राजमा चावल है वीगन, तो इनको करते हैं ट्राई और आपको बताते हैं उसका टेस्ट. One eternity later. तो जी हम हो गए पैक फुल तैयार और हमारी ट्रेन का टाइम 2:51 है. तो अभी बज रहे 2:30, तो हम निकल रहे हैं बाहर और यहाँ से 5 मिनट वॉक करके स्टेशन आ जाएगा. और मौसम अभी भी वैसा ही है बाहर, तो मैं ड्रोन अनफॉर्चुनेटली उड़ा नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा तेज़ है और स्नो पड़ रहा है. तो ड्रोन उड़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. और मुझे पता नहीं कि ड्रोन एक्चुअली उड़ भी पाएगा कि नहीं, बट जिस हिसाब से वेदर है मुझे लगता नहीं कि ड्रोन उड़ाना चाहिए. तो जितना उड़ा पाया उतने मैंने आपको शॉर्ट्स दिखा दिए. तो आप पकड़ते हैं ट्रेन और फिर आपको दिखाते हैं ट्रेन. अब देखते हैं हमें डीजल इंजन मिलता है कि स्टीम इंजन मिलता है, तो उसके हिसाब से आपको भी दिखाते हैं. तो चलिए हमारे साथ. जैसा आप देख सकते हैं बाहर निकलते ही अभी एक्चुअली हल्का हल्का ड्रिजल हो रहा है यहाँ पे और स्नो तो अभी तक गिर ही रहा है. तो जाते हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ. और यहाँ पे ही पास में ये रेस्टोरेंट है, तो जहाँ पे वो हम ब्रोकन का माइलस्टोन लगा है वहीं पे पास में रेस्टोरेंट है. और तो ये रेस्टोरेंट में हम बैठे थे अंदर. और रेस्टोरेंट में वेजिटेरियन में ऑप्शंस बहुत ही कम थे, सिर्फ एक पोमेस था, फ्राइज और एक आलू की पकौड़ी टाइप्स था, एप्पल पुफर और उसके बाद राजमा चावल जो कि सब बकवास था. कॉफ़ी बहुत ही ठंडी थी. तो अगर आप ऊपर आ रहे हैं तो अपना खाना पीना लेके आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा. बाकी ठीक है, मतलब भूख लग रही है तो सब कुछ अच्छा लगता ही है. बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा है और सीधा मुंह पे आ रहा है. अगर उल्टा मैं जा रहा हूँ तो इधर ही जाते हैं. सब वाइट है, सारा वाइट और दूर का कुछ दिख ही नहीं रहा है.
और क्योंकि इतना स्नो गिरा हुआ था, कुछ दिख नहीं रहा था, तो लग ही नहीं रहा था कि हम ट्रेन स्टेशन पे हैं। तो हमने अंदर जाके पूछा कि हमारी ट्रेन कितने बजे आएगी, और ट्रेन बिल्कुल राइट ऑन टाइम थी। तो आप देखिए यहाँ की ट्रेन। ट्रेन हमारी आ गई है, अब हम जा रहे हैं ट्रेन के अंदर। सिंपल ट्रेन है भाई, को यहाँ पे भूख लग रही है। तो ट्रेन आई भी अपने राइट टाइम पे और चल भी अपने राइट टाइम पे थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन से व्यू। Moments later. तो जी हम ट्रेन से तो उतर गए, बट हमारा हुआ दूसरा पोपट। तो हमें एक्चुअली जो पिछला स्टॉप था उस पर उतर जाना था और दूसरी ट्रेन पकड़नी थी, बट हमने ध्यान नहीं दिया तो हम वापस पीछे आए एक स्टॉप, और क्योंकि वो ट्रेन पीछे जाने लग गई तो एक स्टॉप हम पीछे आए। और अब यहाँ से पकड़ेंगे बस, बस है 10 मिनट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैनिक रोड पास में है तो वहाँ जा रहे हैं। और वैनिक रोड पहुँचने के बाद हम वहाँ से पकड़ेंगे बर्लिनाउ पारा की ट्रेन, तो वहाँ पहुँचते हैं और फिर पकड़ते हैं ट्रेन। तो जी हम पहुंच गए थे वर्निक्रोले, और यहाँ से हमने थोड़ा पेट पूजा कर ली, तो कॉफ़ी और क्रोसो ले लिया, मेरा फेवरेट। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ट्रेन का टिकट बुक किया, तो हमारी ट्रेन है 6:40 की, तो हमने अराउंड 30 मिनट्स यहाँ पे वेट किया स्टेशन पे ही, और अभी ट्रेन आने वाली है। और ये ट्रेन लेगी 3 घंटा बर्लिन पहुँचाने में, बट ट्रेन में 2 स्टॉप हैं, तो हम पहुँचेंगे बर्लिन लगभग 9:30 बजे। तो आशा करते हैं कि आपको आज के व्लॉग में मज़ा आया होगा, और मज़ा आया तो इस व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे बेहतरीन व्लॉग। और अभी आने वाले समय में नई ट्रिप प्लान कर रहा हूँ मैं, तो और अच्छा व्लॉग आने वाला है और ट्रैवल व्लॉग आने वाला है। और इस ट्रिप से रिलेटेड आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर आप भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ हम रील्स और फोटोज़ डालते हैं, आजकल हम काफ़ी एक्टिव हो गए वहाँ पर भी, और यूट्यूब शॉर्ट पर हम आजकल डालते हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखेगा। तो मैंने सोचा व्लॉग एंड करने से पहले इन लोगों से भी जान लिया जाए इनकी ट्रिप कैसी रही और कितना मज़ा आया, क्योंकि ट्रिप में थोड़े चेंजेस मैंने किए थे एंड टाइम पे, और हम पहले प्लान कर रहे थे 1 दिन का ट्रिप, बट मैंने उसे 2 दिन का बना दिया। तो पहले बात करते हैं रुपेश से। हाँ भाई, कैसा रहा ट्रिप, मज़ा आया कि नहीं आया? ट्रिप अच्छा रहा, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हाँ भाई, ये नहीं बोल रहा है। हाँ भाई, हेलो, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। तो जी हमारी ट्रेन आ चुकी है, हम ट्रेन पकड़ते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, चाओ, हैव अ गुड डे।